तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फिट राइडर। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसमें कि हम अपनी मीटियोर 350 को मॉडिफाई करने वाले हैं। तो जिसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसे पता होगा कि मैं अपनी मीटियोर 350 को मॉडिफाई करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने बहुत से पार्ट्स ऑर्डर किए थे, तो वो फाइनली आज सारे आ चुके हैं। तो लास्ट व्लॉग में मेरे एक दो पार्ट्स आए थे तो मैंने दिखाए थे, तो आज हमें सारे पार्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। तो आज अपनी मीटियोर 350 को हम पूरा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको आज की मॉडिफिकेशन देखने में। तो सबसे पहले मैं आपको सारे पार्ट्स दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या डिलीवर हुआ है एंड अपनी बाइक में हम क्या क्या इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सारे पार्ट्स आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, हियर इज़ अ ऑल प्रोडक्ट। तो ये रहे अपना सारा सामान जो कि मुझे आज डिलीवर हो चुका है। तो मैंने इनको एक साइड पर रख लिया कि पहले मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो एक एक करके मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आई है। जो ये आपको दो बॉक्स दिख रहे होंगे, इनमें हमारी बाइक्स के मेन पार्ट पड़े हुए हैं जिससे कि हमारी बाइक की ओवरऑल लुक चेंज होने वाली है। तो इनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से जो हमारा व्लॉग है मॉडिफिकेशन का वो काफ़ी देर के बाद आ रहा है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक एक चीज़ सारी। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। तो हियर इज़ अ मीटियोर 350। तो आप देख पा रहे होंगे कि अपनी मीटियोर 350 बिल्कुल स्टॉक है अभी। तो फ्रंट व्हील मैंने इंस्टॉल किया था, वो अपने मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। एंड अपने जो मिरर्स हैं उनका भी मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की थी, वो भी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कवर किया था। सो मॉडिफाइंग माई मीटियोर 350 विद माई डैड। तो आपको टाइटल पढ़कर थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो अपनी मॉडिफिकेशन है वो अपने पापा के साथ करने वाला हूँ। तो आज की जो मॉडिफिकेशन है वो अकेले तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए मैं अपने पापा की हेल्प ले रहा हूँ। तो पापा तो अभी गए हुए हैं ऑफिस में, तो उनको मैंने बोला था कि आप लीव लेकर थोड़ा सा जल्दी आ जाना आज, क्योंकि व्लॉग शूट करना है। तो वो आज हेल्प करेंगे अपनी मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन के व्लॉग्स हैं वो मे बी दो आए, क्योंकि एक पार्ट में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम एक पार्ट में कवर करने लगे। तो दो पार्ट्स में मे बी जो मॉडिफिकेशन है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। पार्ट वन में जो हमारे मेन मॉडिफिकेशन के पार्ट्स हैं वो तो हम इंस्टॉल करके दिखा देंगे आज। तो नेक्स्ट व्लॉग में जो थोड़ी बहुत रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी वो आपको पार्ट टू में देखने को मिल जाएंगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए जल्दी से मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन ओपन करके दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर मेन बॉक्स। इसमें दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा है रेयर फेंडर, तो आप इसको रेयर मडगार्ड भी कह सकते हो। तो ये हमारा रेयर टायर पे इंस्टॉल होगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा इसका इंस्टॉलेशन थोड़ी ही देर में। तो सबसे पहले मैं हर एक चीज़ की आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो इसको रखते हैं साइड पर एंड दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो इसी तरह हमारा ये रहा फ्रंट फेंडर, तो इसको फ्रंट मडगार्ड भी कह सकते हो आप। ये फ्रंट टायर के ऊपर इंस्टॉल होगा, तो इसको भी रखते हैं साइड पे एंड अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूं। तो हियर इज़ अवर सेकेंड बॉक्स, तो इसको भी रखते हैं, ओपन करते हैं इसको भी जल्दी से। फेंडर इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने बाइक में सीट भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये रही वो सीट, तो अपनी जो स्टॉक सीट है दोनों वो निकल जाएंगी। एंड ये सोलो बॉबर सीट इंस्टॉल होने वाली है हमारी बाइक में, तो इसमें रेयर सीट भी आती है, तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका बाद में, को भी साइड पे रखते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं एग्जॉस्ट की। तो ये एग्जॉस्ट वही है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल करके दिखाया था अपनी बाइक में। तो मेरा एक ब्लॉग है जिसमें कि मैंने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा के दिखाया, तो ये वही एग्जॉस्ट है। तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत मॉड किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि मैंने एग्जॉस्ट के साथ अपनी बाइक का कैटलाइटिक कन्वर्टर भी रिमूव किया हुआ था, तो उसके बीच में मैंने बैंड इंस्टॉल किया हुआ था। तो ये मैंने क्या किया कि जो बैंड है वो कटवा के यहाँ पर पूरा वेल्डिंग करवा दी उसकी। तो इसको मैं थोड़ी देर में इंस्टॉल करके दिखाऊँगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है जो मैंने इसमें मॉड किया हुआ है। तो ये बाइक का जो एग्जॉस्ट है ये पूरा डायरेक्टली आगे लग जाएगा, तो जो बीच का गैप था वो बिल्कुल कम हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये वाला एग्जॉस्ट भी। उसके बाद बात करते हैं ये वाली चीज़ की, तो ये भी ओपन करता हूँ मैं। तो ये रहा टायर हगर, तो ये बैक के टायर पे लगेगा, इस पर हम नंबर प्लेट इंस्टॉल कर देंगे इसकी ये वाली साइड पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये भी, तो इसको भी साइड पे रखते हैं। ये पड़ा हुआ रेयर टायर का कवर, तो ये मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। तो इसका भी इंस्टॉलेशन मैं दिखाऊँगा आपको। इसमें पड़े हुए हैं इंडिकेटर्स एंड टेल लाइट एंड और भी थोड़ी बहुत वायरिंग की चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। एंड ये इन चीज़ों के सारों के स्क्रू पड़े हुए हैं। एंड ये भी है एक चीज़, ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो ये हमारी बाइक की हेडलाइट पर लगेगी। तो कोशिश करते हैं कि आज जो सीट है एंड जो फेंडर गेट है एंड साथ ही में जो एग्जॉस्ट है उसको इंस्टॉल कर दे हमारी बाइक में। सेकंड पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि रेयर टायर हगर है एंड जो है वायरिंग की चीज़ें हैं, जो रेयर टायर का कवर है, ये मैं सेकंड पार्ट में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। टूल गेट्स वगैरह का भी मैंने सेटअप करके पूरा रख दिया हुआ है। तो गाइस फाइनली पापा आ चुके हैं, तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने पापा से, देन उसके बाद मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये रहे हमारे पापा, तो देख सकते हो आप मेरी और मेरे पापा की शक्ल बिल्कुल सेम है। तो पापा क्या बोलना चाहोगे मेरे सबसे?
सब्सक्राइबर के लिए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बेटे को सपोर्ट किया और उसकी वीडियो लाइक की, शेयर की। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनके बच्चे सक्सेस पाएँ, इसलिए मैं भी अपने बेटे के साथ हूँ। वो जो भी कहता है, उसकी जो भी फरमाइश है, जैसा भी जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है, मैं उतना उसके साथ रहता हूँ। मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते और मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ ऐसे एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। उनकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, उनके ड्रीम्स को पूरा करने में उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर आपका बच्चा लाइफ में बढ़ रहा है, उसके ड्रीम्स आप पूरे कर रहे हो, वो सक्सेस पा रहा है, तो पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाकी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फेंडर गेट इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद हम सीट का इंस्टॉलेशन में उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, पापा बताएंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो पापा बताइए थोड़ा। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट और रियर दोनों शीटें ओपन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे जो जो चीज़ इसकी हम निकालेंगे। पूरा निकालने के बाद फिर हम इसकी मॉडिफिकेशन का जो भी पार्ट्स हैं वो ऐड करेंगे। प्रॉपर तरीके से हम वन बाय वन आपको दिखाते जाएंगे। तो गाइस, ये रही टूल किट, जिसका कि मैंने ओवरव्यू पहले भी दे चुका हूँ। तो इसमें से हम टूल यूज़ करने वाले हैं इसकी सीट ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको ये जो दिख रही होगी इसकी रेयर सीट, इसके ये वाले बोल्ट ओपन होंगे। तो पहले जल्दी से वाले बोल्ट चारों साइड के ऊपर कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अभी बोल्ट ओपन करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो एक ओपन हो चुका है। तो ये तो सिंगल बंदा ओपन कर देगा, देन जो इसके बाद जो मेन चीज़ हमने ओपन करनी है उसके लिए हमें दो बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक साइड से तो ओपन हो चुका है, एंड अब दूसरी साइड से भी ओपन होने जा रहा है। तो अगर आपके पास टूल गेट है तो आप इजीली इसको ओपन कर पाओगे, इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है ये इसको ओपन करना। तो हमारी चारों साइड के जो बोल्ट हैं वो ओपन हो चुके हैं, एंड अब जो ये रियर सीट है ये कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी नॉर्मली। तो अब रियर सीट ओपन करने के बाद हमें जो इसकी मेन सीट है उसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो आपको जो ये दो स्क्रू दिख रहे होंगे इनको भी अब हमें ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये वाली सीट है ये भी बाहर आ जाएगी। वैस फाइनली जो सीट है वो बाहर आ चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब कुछ इस तरह की इसकी चेसी दिख रही है। जो ये चेसी है उसको ओपन करने के लिए जो आपको ये जो शॉकर पे स्क्रू दिख रहे होंगे, हमें ये सब फर्स्टली ओपन करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको जो ये सेंटर में एक ये लॉन्ग स्क्रू दिख रहा होगा, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले जल्दी से जो इसके शॉकर्स के स्क्रू हैं वो ओपन करते हैं, उसके बाद जो इसका मेन जो ये लंबा सा स्क्रू आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो गाइस, अब पापा कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो मैं सबसे पहले आपको जो लेफ्ट वाले शॉकर का स्क्रू है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए 17 नंबर की लगने वाली है, आप देख लो। तो अगर आप भी इन फ्यूचर अगर खुद इसको ओपन करोगे तो आपको भी 17 नंबर की चाहिए होगी। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली बाहर आ चुका है। तो अब दूसरी साइड का भी जल्दी से ओपन करते हैं। तो भाई, दूसरी साइड का शॉकर का बोल्ट ओपन करने के लिए आपको दो की ज़रूरत पड़ने वाली है 17 नंबर की। तो इस साइड क्या है कि जो ये वाला शॉकर का स्क्रू है इसके साथ में एक बोल्ट भी लगा हुआ है पीछे। तो आपको जो ये स्क्रू दिख रहा होगा इसके पीछे एक बोल्ट भी लगा हुआ है, तो इससे आपको 17 नंबर की चाहिए होगी, जिससे कि आप एक पिछला वाला पकड़ पाओ एंड इससे आप ओपन करोगे कुछ इस तरह। तो इसको भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये था बोल्ट जो इसके पीछे लगा हुआ था, बट ये जो इसकी लेफ्ट साइड है वहाँ पे नहीं लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर उन्होंने जगह बनाई हुई है जिससे कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, अब आपको मैंने जो ये बीच का स्क्रू बताया था, अब ये ओपन करना पड़ेगा हमें। तो पापा ओपन करेंगे, मैं ये वाली साइड से पकड़ूंगा। तो दो बंदों का काम है यहाँ पे अब, तो इसलिए हमारा भाई शूट कर रहा है। फाइनली इस टाइप का इसका स्क्रू था जो सेंटर में लगा हुआ था, तो ये इसका था बोल्ट, तो ये भी बाहर आ चुका है। एंड अब एक बोल्ट और रहता है, उसे भी ओपन करते हैं। अब एक लास्ट बोल्ट रहता है, तो वो ये रहा, तो इसको भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद ये जो पूरी चीज़ आपको दिख रही होगी ये सारी बाहर आ जाएगी। एक सेकेंड। तो गाइस, बोल्ट को बाहर निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ।
तो गाइस उस बोल्ट को निकालने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये जो कनेक्टर दिख रहा होगा इसको पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बैक है आपको जो है टेल लाइट एंड जो इंडिकेटर दिखते होंगे वो इसका कनेक्शन यहाँ पे होता है। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये बाहर आ चुका है एंड अब जो ये पूरा पार्ट है हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब वो जो बोर्ड था उसको हम बाहर निकालते हैं। तो जैसा देख पा रहे होगे ये आ चुकी है पूरी बाहर, इसको रखते हैं हम साइड से। तो भाई ये रहा इसका बैक फेंडर, तो इसका मैंने ओवरव्यू आपको पहले दे दिया था। तो इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे कुछ इस तरह। तो इसका भी इंस्टॉलेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो सीधे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसकी सीट। तो जो फेंडर है वो तो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, तो आप देख पा रहे होगे कितना ज़्यादा ये अच्छे से फिट हो चुका है। तो अपनी जो बाइक है अब थोड़ी बहुत लुक आना स्टार्ट हो चुकी है, अब सीट को भी इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस सीट को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये जो दो बोल्ट देख रहे होंगे ये सीट के साथ ही मिले हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली सीट लगाने के बाद आपको जो ये दो बोल्ट दिख रहे हैं इनको लगा देना है। एंड जो ये हुक आपको दिख रहा होगा ऊपर इसको भी आपको लगाना पड़ेगा इसके नीचे। तो गाइस ऑलमोस्ट जो अपनी सीट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैंने आपको जो बताया था जो हुक था वहाँ पे, तो उसको भी हमने लगा लिया अच्छे से, तो वो भी अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। बस उसके जो स्क्रू हैं वो हम टाइट कर रहे हैं, तो बाकी जो बैक के स्क्रू थे वो हम अच्छे से टाइट कर चुके हैं। तो गाइस फाइनली जो सीट है वो लग चुकी है, तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारी बाइक। तो अब जल्दी से जो फ्रंट वाला फेंडर है उसको भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट का स्टॉक मडगार्ड, तो इसको ओपन करने के लिए आपको जो ये वाला स्क्रू एंड ये एंड इसकी बैक साइड दो सिमिलर इस टाइप के स्क्रू हैं वो ओपन करने पड़े, तो ईजिली जो इसका फ्रंट का फेंडर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये रहा इसका शॉर्ट फेंडर, तो इसको रिमूव कर ये वाला इंस्टॉल करेंगे उसके बाद। तो हमने जो अपना थर्ड स्क्रू है उसको भी ओपन कर लिया एंड लास्ट रहता है। कुछ इस तरह की लग रही है इसकी नेक लुक फ्रंट टायर की। तो अब जल्दी से जो इसका ये वाला फेंडर है इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके फेंडर के भी स्क्रू साथ में मिले हुए हैं, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्क्रू की, बस आपको नॉर्मली इंस्टॉल कर देना है इसी तरह जिस तरह हम लगा रहे हैं। तो जैसे हमने वो ओपन किए थे इसके स्टॉक के, उसी तरह इसके जो साथ में मिले हुए हैं हमने वो लगा देने। तो फ्रंट वाला फेंडर भी हमने इंस्टॉल कर दिया, जल्दी से जो इसका एग्जॉस्ट है उसको ओपन करते हैं। तो एग्जॉस्ट में भी मैंने थोड़ा सा मॉड किया हुआ है, मैंने आपको पहले दिखाया था, तो अब मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे लगना है। तो एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये था ग्लोब का एग्जॉस्ट। तो अभी हमारा बाइक पूरा स्ट्रेट लगेगा आगे, जिससे कि हमारी जो ये वाली टायर की लुक है ये पूरी अच्छे से दिख पाए। फाइनली अपनी बाइक तैयार हो चुकी है, अपने जो मेन पार्ट्स थे वो सारे लग चुके हैं बाइक में, बट स्टिल अभी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो मैं आपको पार्ट टू में करके दिखाऊंगा। तो देख पा रहे होंगे कि बाइक कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हमारे पापा हैं जो, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी आज के मॉड में, तो अकेले तो ये पॉसिबल नहीं था, तो पापा तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आज उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। तो चलिए वीडियो भी एंड करते हैं, तो पापा से पूछ लेते हैं कि पापा को कैसी लग रही है बाइक। पापा आप लोग भी बताएं आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखें जो इसकी रैगिंग कमी बेशी वो सब दूर करेंगे, और इसमें और एक्स्ट्रा एक्सेसरी जो भी पेंडिंग है वो भी अटैच करके फुली मॉडिफाई आपको दिखाएंगे कि बाइक है कि क्या बात है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये फेंडर गेट एंड जो ये बॉबर सीट है मैंने कहाँ से ली है। तो JD कस्टम करके एक साइट है, तो उनका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इन प्रोडक्ट के लिंक भी मैं आपको बता दूँगा वहाँ पर। अगर आपको कुछ डाउट होगा कि ये कहाँ से परचेज करने हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड मेरे जो इंस्टाग्राम पर लिंक है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर रहता है, तो आप मेरे को वहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हो, तो मैं बता दूँगा मैंने कहाँ से परचेज किए हैं। ठीक है गाइस, ये था आज का कुछ मॉड का ब्लॉग, तो सब कुछ लग गया अपनी बाइक में। तो नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आने वाला है, जिसमें पार्ट टू में हम जो बाकी की जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो लगा के दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं यहीं पे, तो होप करता हूँ कि आपको जो आज का ब्लॉग था वो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा कि इंस्टॉलेशन में आपको कोई चीज़ लगेगी हम मेरे को पता नहीं चला, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।